हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो MPNHM स्टाफ नर्स के जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है, उसके लिए जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चंस की जो सीरीज़ बनाई है, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि जो MPNHM स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है 2023 का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आपका क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और आप यदि सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि आप सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी कंटिन्यू रखें, अब कुछ भी ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आज का जो MPNHM स्टाफ नर्स है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से सब्जेक्ट से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, साथ ही आपका एक्सटर्नल क्या रहने वाला है। दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। सो दोस्तों, ये सिलेबस है, सिलेबस फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर पोस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स के लिए जो ये सिलेबस रिलीज किया गया, ठीक है, सिलेबस फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स, तो इसके लिए आपको सिलेबस दिया गया। सो दोस्तों, जो सिलेबस का टॉपिक रहने वाले हैं, आपको जो 20% क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो सिलेबस से बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें भी वर्बल रीजनिंग रहेगा, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 20 मार्क्स के। साथ ही दोस्तों, जो 80% आपका जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वह आपके जो आपके जो नर्सिंग से रिलेटेड आपके 80% क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो दोस्तों, जो 80% रहने वाले हैं, वो भी हम आपको बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपका 80% में आपका क्या आता है। 80% डोमिनेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 80% में आपको मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वहाँ से क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी केयर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग और कम्युनिकेबल डिसीज से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही इसमें आपके लिए फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं 80 जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 80 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। सो आपको साथ ही दोस्तों, जो आपका जो एडमिट कार्ड रहने वाला है, आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो एग्ज़ाम के 7 डे के अंडर आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो दोस्तों, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलती है, जब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।